मुंबई में कितनी गर्मी है। अच्छा घर है ना, मैंने कहा था फर्निश्ड घर लेना था, वरना तो सैलून में वीक्स लग जाते हैं। देखो ना कितने हाइट पर है हम लोग, देखो बालकनी से दिख रहा है कितना अच्छा व्यू है ना, यहाँ से तो पूरा शहर दिखेगा। कानपुर में तो दो तीन माह से ज्यादा लंबी बिल्डिंग होती ही नहीं, मुंबई में रहने में तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ बहुत मजा आएगा दीदी, अब यहाँ पे खड़े रहना कि सामान भी रखना है। दीदी हम लोग किसी घर में अब रहेंगे, कितना मजा आएगा। है ना बहुत मजा आने वाला है मुंबई में रहने में। दीदी मुझे बहुत भूख भी लग रही है, इतने लंबे रास्ते से आया है ना, मैं थक भी गई हूँ, कुछ खाने को दो ना। हाँ लेकिन मम्मी थोड़ी कि घर आती खाना मिल जाएगा, खुद बनाना पड़ेगा। हाँ ना यार दीदी, मम्मा का खाने की तो मुझे बहुत याद आएगी, वो गर्मा गर्म उनके हाथ के बनाए हुए पूड़ी, आहा। लेकिन मुंबई का भी खाना कुछ कम नहीं है, ऑर्डर कर लेते हैं आज ऑनलाइन, वैसे भी घर पे राशन है नहीं तो फिर कहाँ से बनाएंगे घर पे खाना आज। हाँ ऑर्डर कर सकते हैं ना, हम लोग कुछ मुंबई की स्पेशल डिश मंगाएंगे, पहली बार मुंबई है ना तो कुछ यम्मी खाएंगे। हाँ बहुत सुना है मुंबई के वो वड़ा पाव के बारे में, वो सब खाएंगे। अभी कौन आया है यहाँ पे, तो मैं कोई जानता भी नहीं है, अभी तो शिफ्ट हुए हैं हम लोग। दीदी मैंने न्यूज में पढ़ा है, अक्सर शहरों में ना हम जैसे जो नए नए लड़के आते हैं ना शिफ्ट करते हैं, उन लोगों के लिए सेफ नहीं रहता, कोई से कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता मुंबई में। हाँ और मम्मी भी तो बोल रही थी कि शहर में तो खासकर किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता है। हाँ दीदी। अच्छा तू एक काम कर, यहाँ पे रहना, मैं देखती हूँ, ठीक है? संभाल के दीदी। बोलता है, आइए अंदर आइए। हाँ हाय आंटी। हाय। तो गंगू भाई ये ओनर ने तो कहा था कि आप हमारे आने से पहले ही सब साफ सफाई कर दोगे और खाना वाना बना के रखोगे। अरे रात को ही मैं साफ सफाई करके गई मैडम, देखना सब घर पूरा चकाचक कर दिया है। हाँ लेकिन आप खाना भी बनाने वाले थे ना, इतना लेट क्यों आए आप? अरे क्या हो गया ना, मुझे लंबा वाला रास्ता लेना पड़ा, इसके लिए लेट हो गया थोड़ा। तो लंबा वाला रास्ता क्यों ले, छोटा वाला रास्ता ले लेते सिंपल। छोटा वाला रास्ता ना वो 8 नंबर की गली से होके गुजरता है ना बाबा, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मतलब वो 8 नंबर की गली ना, वहाँ पे बहुत सारे बेवड़े आवारे बैठे रहते हैं हमेशा, वो गली ना औरतों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। अभी 1 महीने पहले ही ना तुम्हारे जैसे लड़की उधर किडनैप हो गई थी। अरे आंटी ऐसे क्यों डरा रहे हो आप मेरी बहन को? अरे मैं डरा नहीं रही मैडम, यहाँ क्या है ना ड्राइवर लोग सुनसान रास्ते से ले जाते हैं और पानी वानी में कुछ मिला के उधर ही किडनैप कर लेते हैं, इसलिए बता दे रही हूँ। घबराने का नहीं मैडम, मेरे पास ना महिला मंडल का नंबर है, मैं देती तुझे, कुछ भी हो तो घबराने का नहीं, उसको फोन करने का। हाँ आंटी आप नंबर दे देना, थैंक यू। अच्छा चल ये सब छोड़, अभी मैं तेरे लिए स्पेशल चाय बना के लाती हूँ। तुझे पता है शर्मा जी के यहाँ ना जब तक मैं जाती नहीं कोई चाय नहीं पीता है, जब मैं आती तभी चाय बनाती। अच्छा तो फिर बना के दिखाई, हम भी ट्राई करते हैं कैसी है। हाँ तू लोग आराम कर, मैं चाय बना के तेरे लिए लाती। वाह यार रूम तो काफी अच्छा है। हाँ अच्छा डेकोरेटेड है,
कितना अच्छा लग रहा है वो। सास उतरा भी है? दीदी अंदर आओ ना, मेरे को बैठने दो। भाई तुम अंदर बैठो, मेरे को। अरे आप बड़ी दीदी हो ना, छोटी दीदी के लिए इतना नहीं कर सकते। ड्रामा। अरे दीदी को तो टीवी भी है। अरे हम लोग तो रात को आज मूवी मैराथन करते, बहुत सारी मूवी देखेंगे। कल कॉलेज है तुम्हारा, वो भी फर्स्ट डे। अरे हाँ मैं भी भूल गई, कितना मजा आएगा। हमने कॉलेज भी कितना सुंदर था, मैं बहुत सारे दोस्त भी बनाऊंगी। पता है कॉलेज की फ्लोर देखी थी कितनी बड़ी थी, और कांच की बिल्डिंग थी, और एकदम मेरा जो क्लासरूम रहेगा ना ऊपर वाले फ्लोर में रहेगा। हाँ मेरे भी कल 3-4 जॉब इंटरव्यू है। ये ले मैडम, तेरे लिए बिल्कुल मलाई वाली स्पेशल चाय बनाई हूँ। अरे वाह, चलो ट्राई करते हैं। तो बड़ी अच्छी है। कहा था ना मैंने, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। शर्मा जी के यहाँ ना मैं अगर चाय नहीं बनाती तो कोई चाय पीता ही नहीं है। अरे सच्ची में बहुत ही ज्यादा अच्छी चाय, इसे तो माँ की चाय की याद आ गई। अब मैं भी तो तेरी माँ के जैसे ही हूँ ना, अब मैं तेरे लिए रोज चाय बनाऊंगी, टेंशन मत ले, ठीक है? हेलो। यस सर। ओके आई बी देयर। क्या हो दीदी? नहीं वो ये बॉस का फोन था, वो इंटरव्यू जो सुबह था ना वो शाम को अब हो गया। ओ अच्छा है, तब तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, दिन भर रात को मूवी नाइट कर सकते हैं ना, थोड़ा तो 1 घंटे का। तुम्हारा फिर भी कॉलेज है, कुछ मूवी नाइट नहीं। बहुत संभाल के जाना, कोई सुनसान रास्ते से मत जाना। हाँ। अच्छा चल ठीक है, अभी मैं तेरे लिए ना डिनर बनाती हूँ एकदम अच्छा वाला। हाँ ठीक है। कुछ असाइनमेंट मिला हो कॉलेज से तो कर लेना, एंड माँ को याद से कॉल कर देना, एंड गंगू भाई जो है ना डिनर बना के रखी तो डिनर भी याद से खा लेना। ठीक है? ठीक है बाय दीदी, ऑल द बेस्ट। बाय। बाय मैडम। मैडम संभाल के जाना और ज्यादा लेट मत करना, जल्दी आ जाना। आप तो एकदम मम्मी की याद दिला देते, मम्मी भी यही सेम चीज बोलती है, संभाल के जाना। अब क्या करे मैडम, सही तो बोलती है आपकी मम्मी, मैं भी ना अपनी बेटी को ऐसे ही बोलती रहती हूँ कि जल्दी आ जाना, लेट मत करना। अब क्या करे मैडम, देख रही हो ना जमाना ही इतना खराब है, हर रोज टीवी में अखबार में नई नई घटनाएं छपती रहती हैं, ये सब देख के डर लगता है ना। और आंटी आप ना डिनर बना के घर चले जाना, और अनु को भी खिला देना याद से। हाँ मैडम चिंता मत करो, मैं अनु को खिला दूंगा। बाय। इतनी लेट रात को इंटरव्यू खत्म हुआ, ऊपर से ऑटो भी नहीं मिल रही है, ना सुनसान रास्ते में मिलेगी भी कहाँ से। काम करती हूँ, कैब बुक कर लेती हूँ। का फोन इतनी रात को। हेलो माँ। हेलो बेटा। अरे माँ आप अभी तक सोई नहीं, इतनी रात को कॉल कर रहे हो। नहीं मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मैंने सोचा चलो तुमको ही फोन कर लेती हूँ, इतना जल्दी तो तुम लोग सोती नहीं हो। हाँ माँ। अच्छा माँ मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, मेरे ड्राइवर का कॉल आ रहा है। क्या ड्राइवर, तुम बाहर हो क्या? अरे माँ वो इंटरव्यू लेट खत्म हुआ था ना इसलिए। अकेले हो क्या बेटा? हाँ माँ लेकिन चिंता मत करो, मैंने कैब बुक कर ली है। अच्छा सुनो बेटा, सुनसान रास्ते से मत जाना, हाँ चालू रोड से जाना, पहली बार गई हो ना तुम बाहर। हाँ 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 माँ मैं अपना ध्यान रखूंगी, आप भी अपना ध्यान रखना, बाय। हेलो। हाँ भैया मैं लोकेशन पे खड़ी हूँ, आप जल्दी आ जाइए। हाँ
और बताइए मैडम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब ठीक है। सुनसान रास्ते से जा रहे हो, ये मैप में नहीं है। अरे मैडम जी, ये 8 नंबर गली है, शॉर्टकट रास्ता है। वो 8 नंबर की गली ना, वहाँ पे बहुत सारे बेवड़े आवारे बैठे रहते हैं हमेशा। वो गली ना औरतों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। आप कभी आई नहीं क्या? आई हूँ। मैडम जी, सुनसान रास्ते में गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। रास्ता साफ रहता है और गाड़ी रापचिक चलती है। हेलो माँ। हाँ बेटा, पहुंच गई घर? तो नहीं, अभी रास्ते में हूँ, पहुंचने ही वाली हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें इतने रात को जाने को? अच्छा सुनो, घर पहुंचते ही मुझे फोन कर देना, हाँ, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ हाँ ठीक है माँ। हेलो, फोन डेड हो गया, अभी मरना था। क्या 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 हुआ? मैडम जी, वो पानी का बोतल दे दीजिए। पानी पियेंगी? ड्राइवर लोग सुनसान रास्ते से ले जाते हैं और पानी वानी में कुछ मिला के उधर ही किडनैप कर लेते हैं। नहीं जी। अरे पी लीजिए। कहीं प्यास नहीं जी। मैडम जी, ये लीजिए, मुंह पोंछ लीजिए। नहीं जी, नहीं। अरे पूछ लीजिए। नहीं नहीं जी, आपको पसीना आ जी, लोकेशन पे आ गए। मैडम जी, लोकेशन पे आ गए। पहुंच गए जी। मैडम जी, 250 रुपए हुए। मैडम जी, 5-star रेटिंग दीजिएगा। हाँ हाँ।